हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। सो एज यू पीपल नो, मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि इसरो जो है वो अपने सारे मिशंस को लॉन्च करता है सतीश धवन स्पेस स्टेशन से। लेकिन इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसरो अपना एक और लॉन्चिंग पैड लॉन्च करने जा रहा है, और ये जो लॉन्चिंग पैड लॉन्च होगा वो तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आइए जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है, कहाँ से ये चीजें जो हैं इतनी ज्यादा सुर्खियों में आई, और एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बार को सेशन को दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन वहां तक भी पहुंचे। ठीक है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो इसरो है वो अपने सारे के सारे मिशन को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करता है। लेकिन जब भी वहां से किसी भी मिशन को लॉन्च किया जाता है, तो पहले उस मिशन को जब लॉन्च करते हैं तो पहले वो मिशन ईस्ट वर्ड जाता है, और ईस्ट वर्ड जाने के बाद में वो साउथ वर्ड जाता है। यानी कि इसरो के जितने भी मिशन होते हैं जो सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किए जाते हैं, जब उनको लॉन्च किया जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा फ्यूल लगता था। एक्स्ट्रा फ्यूल क्यों लग रहा है? क्योंकि भाई पहले आंध्रा से लॉन्च होगा, आंध्रा से लॉन्च होके ईस्टर्न साइड पे जाएगा, मतलब वो नीचे की तरफ आएगा, तमिलनाडु की तरफ आएगा, और उसके बाद में वो साउथ की तरफ जाता है। यही होता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसरो ने बोला कि हम अपना एक और लॉन्चिंग पैड लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो लॉन्चिंग पैड लॉन्च होगा तमिलनाडु के अंदर। इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया मोदी जी के द्वारा, और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये इंडिया के सदर्न मोस्ट स्टेट जो है यानी कि तमिलनाडु, वहां पे रामेश्वरम के जस्ट नीचे कन्याकुमारी के पास में इसको इनोग्रेट किया जाएगा, यानी कि वहां पर इस सेंटर को बनाया जाएगा। जगह का नाम क्या है? कुलाशेखरापट्टिनम। क्या है? कुलाशेखरापट्टिनम उस जगह का नाम है जहां पे लॉन्चिंग पैड को क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया जा रहा है, बनवाना वहां पे शुरू हो रहा है। चलिए ठीक है, अब इस लॉन्चिंग पैड को हम बनवा क्यों रहे हैं? ये इंडिया या इसरो इसे बनवा रहा है ताकि अब जब भी कोई मिशन लॉन्च हो तो जो ईस्ट वर्ल्ड वाले डायरेक्शन का एक छोटा सा पॉइंट होता था, वहां पे फ्यूल यूज होता था, तो वो फ्यूल अब क्या होगा, बच जाएगा, और कम फ्यूल में जो मिशन हैं उनको हम आसानी से लॉन्च कर पाएंगे। ये जो तमिलनाडु के अंदर लॉन्चिंग स्टेशन बनाया जा रहा है, इसके अंदर आप देखेंगे तो जितने भी स्मॉल लाइक सैटेलाइट्स होती हैं, या जितने भी आपके ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो कि नैनो सैटेलाइट्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी ऐसे हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के लिए, यानी SSLV के लिए इस सेंटर को बनाया जा रहा है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब जो ये SSLV वाली सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी, ये आप देखेंगे तो आपको इसके हर सैटेलाइट के अलग अलग फेजेस होते हैं, तो ये तीन स्टेजेस पर लॉन्च किया जाएगा। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हुआ क्या, अब यहाँ पर ये हुआ कि जब इसको इनोग्रेट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आर्टिकल्स भी आएंगे, बहुत सारी जगह पे इसको इन्फॉर्म करने के लिए अलग अलग पैम्पलेट्स मिलेंगे। तो तमिलनाडु के अंदर जब मोदी जी इसको इनोग्रेट करने के लिए आए, तो उससे पहले न्यूज़पेपर के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया कि एक नया लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो तमिलनाडु के अंदर खुलने जा रहा है। तमिलनाडु के अंदर जो सरकार है वो DMK की गवर्नमेंट है। यहाँ के जो CM है, आपको इनकी फोटो नजर आ रही है, MK Stalin जो यहाँ पर कौन है, CM है तमिलनाडु के अंदर। अब यहाँ पे जब ये आर्टिकल पब्लिश हुआ तो आपको ये फोटो नजर आ रही होगी, आप भी सोच रहे होंगे मैम को क्या हो गया, या मैम कैसे फोटो यूज कर रहे, चाइना दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या कि जब ये इमेज पेपर्स के अंदर आई, तो यहाँ पे ये जो आपको मिशन दिखाई दे रहा है या जो सैटेलाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पे इंडिया के मैप की जगह चाइना का मैप लग गया, और ये पूरे तमिलनाडु के अंदर सर्कुलेट हो गया। जिसके बाद में अब आप समझ सकते हैं भाई मिशन हमारा, बात इंडिया की हो रही है, तो ये चिता यहाँ पे क्या कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएट हो चुका है, जिसके ऊपर मोदी जी ने भी ये बात बोली कि ऐसी चीजों को सबके सामने आने से पहले 3-4 बार रिव्यू कर लेना चाहिए। एंड सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि मोदी जी ने यहाँ पर ये भी बोला कि जो इमेज यहाँ पर पोस्ट की गई है, ये पूरी तरीके से इंडिया की इमेज के साथ में क्या है, या इसरो की इमेज के साथ में खिलवाड़। ठीक है, ये सब बातें बोली गई, लेकिन इस गलती को एक्सेप्ट करने की जगह यहाँ पे MK Stalin जी ने क्या बोला, MK Stalin जी ने ये बोला है यहाँ पर कि चाइना को तो इंडिया ने अपना एनिमी कंट्री आज तक डिक्लेयर ही नहीं किया, तो अगर यहाँ पे मैप लग भी गया तो कौन सी बड़ी बात होगी, ऐसा MK Stalin ने बोला है।
यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी आपको चाइना का ही मैप दिख रहा है। ऊपर के साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और इमेज नजर आ रही है, ये भी बहुत फेमस पर्सन है ना। तो ये यहाँ पे इमेज सर्कुलेट हुई है जिसको लेके एक विवाद यहाँ पे खड़ा हो चुका है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और बोला गया है जो कि आखिरी पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है, यानी कि एम के स्टालिन ने ये भी बोला कि 2019 में चाइना को एज अ गेस्ट बुलाया गया था। आए थे ना चिंगू पिंगू, अरे जिंगपिंग आए थे ना इंडिया के अंदर, कहाँ, महाबलीपुरम के अंदर। तो इन्होंने कहा कि हम तो चाइना को अक्सर बुलाते रहते हैं, है ना। तो इन्होंने मतलब इंडिया ने ये भी नहीं बोला कि चाइना जो है वो हमारा एनिमी देश है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट मेरा सवाल ये है कि ये जो श्रीहरिकोटा है ना, जहाँ पे सतीश धवन स्पेस स्टेशन है, वहां पे आपको कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है, वहां पे कौन सा फेस्टिवल होता है, ये कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।